हेलो दोस्तों, मैं यहाँ जेई मेंस बीआर पिछले साल के जो पेपर्स है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसमें मेमोरी ड्राइंग, फिल्म स्टार, 2D डिज़ाइन, 3D कंपोजिशन, एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैं लेने वाला हूँ। इसका आपको 100% बेनिफिट होगा। दोस्तों, ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टॉप व्यू दिया है और ये टॉप व्यू से हमें फ्रंट व्यू देखना है जो ऑप्शन में दिए है। तो ये नीचे का जो पार्ट है ये रेक्टेंगल आएगा, उसके बाद में यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल आएगा और ये एक स्क्वायर और ये एक स्क्वायर ऐसा हमें दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम देखते हैं, तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए था वो नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ ही कट होता है। सेकंड जो ऑप्शन है वो भी सेम वैसे ही दिया है, लेकिन अपोजिट दिया है, उल्टा दिया है, इसका मतलब ये भी यहाँ नहीं है। थर्ड में ये पार्ट इधर ज़्यादा का दे दिया है, जैसा नंबर 1 ऑप्शन है वैसा ही है, लेकिन ये पार्ट इधर ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट होता है। अभी फोर्थ जो है वहाँ देखते हैं, तो ये नीचे का रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ एक स्क्वायर और यहाँ एक स्क्वायर, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम टॉप व्यू उन्होंने दिया है और हमें फ्रंट व्यू के ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ नीचे एक रेक्टेंगल, ये साइड में एक स्क्वायर, ये साइड में एक स्क्वायर, ये जो बड़ा दिखाया है यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा और ये भी एक छोटा स्क्वायर टॉप में दिखेगा। तो ऐसी फिगर हमें दिखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर देखेंगे तो ये नीचे रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं, यहाँ लाइन है, तो ये ऑप्शन यहाँ ही कट हो गया। सेम सेकंड में भी वैसे ही है, ये ऑप्शन यहाँ कट हो गया। अभी थर्ड हम देखते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल है, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, बीच में भी एक बड़ा स्क्वायर दिया है और ऊपर एक छोटा स्क्वायर, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन फोर्थ नंबर का जो है उसको हम देख लेते, ये रेक्टेंगल नीचे का राइट है, यहाँ एक रेक्टेंगल, ये भी राइट है, लेकिन यहाँ दो रेक्टेंगल दिए गए, स्क्वायर दिए गए सॉरी, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ कट होता है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, ये भी टॉप व्यू का ही प्रॉब्लम है, इसमें जो लाइंस दिख रहे हैं ये जो नीचे हमें ऑप्शन में जो फिगर्स दिए 4, तो इसके कॉर्नर्स हमें गिनने हैं। तो ये हम देखते हैं जो नीचे आया हुआ और ऊपर जो है ऐसे जितने भी है वो उतने लाइंस है क्या, हम काउंट कर दिए। ये देखो यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे देखते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ ये 6 यहाँ पे आया है। तो अभी नंबर 1 देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है, तो ये आंसर हमारा यहाँ कट हो गया। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी 7, ये भी यहाँ रॉन्ग है। अभी फोर्थ नंबर का देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर है नंबर 3। अगर ये कॉर्नर भी बड़ा राइट आ गए सबके, सपोज़ 3 और 4 के अगर राइट आ गए, ऐसा अपन सपोज़ पकड़ दे, तो इसके डिस्टेंस जो है ये हमें देखना है बाद में। तो इसमें तो हमने सिर्फ ये कॉर्नर से काउंट किए, तो इसमें हमें आंसर मिल गया, तो हमारा आंसर है नंबर 3। ये टॉप व्यू दिया है, हमें फ्रंट व्यू ऑप्शन में से देखना है।
तो इसके स्टेप हम देखते हैं, ये 1, 2, 3 रेक्टेंगल बीच में है और ये यू के जैसा, उल्टा यू के जैसा यहाँ पे ये दिख रहा है। ऐसी फिगर हमें ऑप्शन में देखनी है। तो देखो फर्स्ट इसमें यहाँ पे लाइन आ गई, यहाँ पे लाइन आई, तो ये आंसर यहाँ रॉन्ग है फर्स्ट। सेकंड देखते हैं तो सेकंड सेम है, ये 1, 2, 3 और ये यू के जैसा, मतलब ये हो सकता है। थर्ड देखेंगे तो फिर से यहाँ एक लाइन यहाँ, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ देखेंगे तो ये यू के जैसा स्टेप तो दिया है, लेकिन एक ही स्टेप और एक सेकंड ये बड़ी दे दी, यहाँ लाइन नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये टॉप व्यू दिया है, इसमें से हमें फ्रंट व्यू देखना है। तो पहले जैसा मैंने बताया वैसे ही ये नीचे का जो है ये रेक्टेंगल देखना है, उसके बाद में ये सेकंड स्टेप जो है यहाँ पे ये सेम है, और थर्ड स्टेप जो है ये एक रेक्टेंगल और ये एक रेक्टेंगल ऐसा हमें नज़र आएगा। तो ये फिगर हमें ऑप्शन में देखनी है। तो ये रेक्टेंगल है लेकिन यहाँ ये बड़ी है और ये बहुत छोटी है, तो ये ऑप्शन यहीं कट हो गया। सेकंड में देखते हैं तो ये रेक्टेंगल ही नहीं है नीचे का, तो ये ऑप्शन यहीं कट हो गया। थर्ड देखते हैं तो ये रेक्टेंगल है लेकिन यहाँ 2 पार्ट चाहिए थे, यहाँ 3 पार्ट आ गए, तो ये भी यहाँ ऑप्शन यहाँ कट हो गया। फोर्थ देखते हैं तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी ये सेम दिया है, ये भी है और ऊपर 2 छोटे रेक्टेंगल दिए, तो ये हमारा फोर्थ नंबर का जो है वो आंसर है। ये 3D प्रॉब्लम दिया है, हमें फ्रंट व्यू देखना है। तो यहाँ हम इसके जो सरफेसेस ये साइड से जो दिख रहे हैं वो हम देखते हैं। यहाँ एक रेक्टेंगल है, इधर एक स्क्वायर है, फिर यहाँ रेक्टेंगल है, फिर ये साइड में और एक रेक्टेंगल है ऊपर, और यहाँ ये ऐसे स्टेप के जैसा ये पार्ट दिखेगा हमें। तो ऐसा हमें फ्रंट व्यू देखना है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ ही कट हो गया। सेकंड अगर देखते हैं नीचे की ये राइट है, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ हमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है अपने प्रॉब्लम में, इसलिए ये भी यहाँ कट हो गया। थर्ड में देखेंगे तो ये नीचे का राइट है, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है, तो ये ऑप्शन यहाँ ही कट होता है। अभी फोर्थ देखेंगे तो यहाँ ये रेक्टेंगल, ये इस साइड में स्क्वायर, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, और यहाँ पे ये पार्ट हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर है। फिर से 3D फ्रंट व्यू देखना है, तो सेम वही प्रोसेस, ये एक रेक्टेंगल हम देखेंगे, ये उसके ऊपर रखा हुआ दूसरा रेक्टेंगल, और ये और एक रेक्टेंगल, ये 3 स्टेप के 3 रेक्टेंगल हमें दिखने चाहिए, और ये साइड में ये रेक्टेंगल के ऊपर खड़ा रेक्टेंगल हमें देखना है। तो पहले ऑप्शन हम देखेंगे तो नीचे का रेक्टेंगल दिख रहा है, सेकंड भी दिख रहा है, थर्ड में ये यहाँ पे एक्स्ट्रा का स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये स्टेप हमें नज़र आ रही है, और ये भी रेक्टेंगल है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड देखेंगे तो ये रेक्टेंगल है मगर ये सेकंड रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे एक स्क्वायर एक्स्ट्रा का दिया है, तो ये यहाँ नहीं है। फोर्थ
फोर्थ अगर देखते हैं तो ये रेक्टेंगल यहाँ नहीं है, यहाँ लाइन आ गई, इसलिए ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन कट होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर नंबर सेकंड। फिर से वैसे ही प्रॉब्लम, फ्रंट व्यू देखना है तो सेम हम देखते ही, ये एक रेक्टेंगल, ये उसके ऊपर एक छोटा रेक्टेंगल और पीछे के साइड में ये उल्टा जे नज़र आ रहा है कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर वन में देखते हैं कि पहला रेक्टेंगल सही है, सेकंड रेक्टेंगल सही है, मगर ये जे जो है इसके अंदर यहाँ लाइन आई तो ये कट हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये छोटा रेक्टेंगल है और यहाँ ये उल्टा जे भी नज़र आ रहा है, तो ये सेकंड हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम थर्ड भी देख लेते हैं कि पहला ही रेक्टेंगल नहीं है नीचे वाला, तो ये ऑप्शन यहाँ ही कट हो गया। अभी ये फिगर थोड़ी धुंधली दिख रही, मैं इसको ट्राई करता हूँ कंप्लीट करने की। तो ये फोर नंबर का जो है इसमें देखेंगे तो ये नीचे का ये तो है, सेकंड भी स्टेप जो है वो भी राइट है, लेकिन ये जो जे दिख रहा है यहाँ पे लाइन आ गई तो ये ऑप्शन भी यहाँ कट होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर टू। फिर से सेम प्रॉब्लम है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ ये लेफ्ट साइड में एक छोटा स्क्वायर, फिर यहाँ रेक्टेंगल, फिर ये साइड में एक छोटा स्क्वायर और ये उल्टा एल, पीछे के साइड में एल नज़र आ रहा है। तो इस टाइप में अगर दिखता है तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर वन में देखते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये छोटा स्क्वायर है, राइट है, ये भी छोटा स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये भी बराबर है और ये एल भी नज़र आ रहा है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक कट चाहिए था वो नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ ही ख़त्म होता है। थर्ड अगर देखेंगे यहाँ स्क्वायर नहीं दिया है इसलिए ये यहाँ कट होता है। फोर्थ में ये स्क्वायर यहाँ पे दिया है, ये राइट है, मगर यहाँ ये एक्स्ट्रा का स्क्वायर दिया है इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ कट होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर वन। फिर से वैसे ही वही टाइप का प्रॉब्लम, फ्रंट व्यू हमें देखना है, यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल, फिर इस साइड में ये एल के जैसा और पीछे जो है ये टी के टाइप हमें नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं वैसा दिखता है क्या, तो ये पहला रेक्टेंगल तो है लेकिन यहाँ एल के जैसा नहीं दिख रहा, ये लाइन आ गई इसलिए ये ऑप्शन यहाँ कट हो गया। सेकंड देखते हैं कि ये बराबर है, ये भी राइट है लेकिन यहाँ टी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ ये लाइन आई इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ कट। अभी थर्ड देखते हैं तो ये रेक्टेंगल है, ये एल के जैसा भी दिख रहा है और ये टी के जैसा भी दिख रहा है, तो ये हमारा हो सकता है। फोर्थ देखते हैं तो नीचे का जो है ये राइट है लेकिन यहाँ लाइन आई, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ कट हो गया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री।